हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं तौशक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या बोल के आज हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या है, एक सिंपल चीज़ में मैं आपको बोलता हूँ, सो आपको थोड़ा अच्छा से समझ हो जाएगा। मतलब क्या फैसिलिटी मैनेजमेंट बोल के आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। मतलब आप मान लीजिए एक 10 फ्लोर का एक एक बिल्डिंग है, जो उसमें जो क्या कर रहा है, जो रोज़ रोज़ में नहीं तो 24/7 जो आदमी लोग को उधर आके काम करके चला जाता है बोल के मान लीजिए, जो आदमी लोग को जो आने से फिर वो जो वो कंपनी से जो निकालने के तक उसको क्या क्या चाहिए सभी को जो अरेंज करके जो दे रहे हैं ना, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। मतलब अभी मान लीजिए जो 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 पर्सन जो आ रहा है, जो काम करने के लिए आ रहा है, जो बिल्डिंग को आ रहा है, उसको क्या क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग को देना है, उसको कूलिंग तो देना है, फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर देना, टी कॉफ़ी, फिर फूड सब कुछ हम लोग को अरेंज करके देना है। फिर उसको जो घर से इधर आने के लिए कुछ तकलीफ़ हो रहा है, फिर उसके लिए हम लोग को कैब अरेंज करके उसको देना है। सभी क्या है फैसिलिटी मैनेजमेंट का साथ आएगा। मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो क्या क्या डिपार्टमेंट जो रहता है, मैं बोल दूंगा अभी, मतलब E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टीम जो रहता है, E&M टीम रहता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टीम जो रहता है, उसी में क्या स्ट्रक्चर जो क्या रहेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्या रहेगा, उसमें असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर एंड उसका नीचे असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, उसका नीचे क्या है शिफ्ट इंजीनियर रहेगा, उसका नीचे सुपरवाइजर रहेगा, उसका नीचे जो टेक्नीशियन रहेगा, इसका ये लोग का काम क्या है, जो जो कुछ इक्विपमेंट है, मतलब लिफ्ट एलिवेटर, एक्सकलेटर्स, DG, UPS, जो कुछ जो इक्विपमेंट है जो फैसिलिटी में, जो पावर को जो देने के लिए, मतलब कूलिंग को देने के लिए जो कुछ इक्विपमेंट है सभी को क्या करेगा, जो मेंटेन करेगा, फिर AMC वेंडर से, मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो वेंडर से कोई ना कोई काम जो वही लोग करेगा, दूसरा ये थर्ड पार्टी वेंडर द्वारा रहता है, उसी से वो जो काम को जो करा देता है, उस सभी को जो फॉलोअप करना है ये लोग को काम है। ये तो अलग डिपार्टमेंट है। फिर दूसरा क्या है, F&B डिपार्टमेंट जो रहता है, मतलब ड्रिंकिंग, फिर टी कॉफ़ी, फिर फूड जो अरेंज करते हैं ना, मतलब डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, उसी को जो अरेंज करने के लिए, उसके लिए अलग अलग वेंडर जो रहता है, सबको कॉर्नर करने के लिए, सभी का क्वालिटी का जो फूड देने का काम वो F&B का जो टीम है, फूड एंड बेवरेज टीम है। दूसरा क्या है, जो ट्रांसपोर्ट टीम है, ट्रांसपोर्ट टीम मतलब क्या है, जो एसोसिएट जो घर से आ रहा है, फिर यहाँ से फिर घर को जाने के लिए जो कैब जो अरेंज करके देगा वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम आ जाएगा। फिर उसका छोड़ के हाउसकीपिंग टीम, हाउस सर्विस का टीम जो रहता है, वो लोगों को काम क्या है, जो क्लीनिंग है, इंडोर क्लीनिंग, आउटडोर क्लीनिंग, फिर जो कारपेट जो क्लीनिंग करना है, चेयर क्लीन करना, टेबल क्लीन करना, रेस्ट रूम को जो क्लीन करना, मतलब जो डाइनिंग हॉल को जो क्लीन करना, सभी का काम वो जो साफ सर्विस कर देता है। फिर दूसरा क्या है, मतलब सिक्योरिटी टीम रहता है, सिक्योरिटी टीम कोई ना कोई जो जगह पे जो सिक्योरिटी जरूरी जो रहता है, वो किसी का मतलब जो कुछ अंदर को जाने का टाइम है, उसका मोबाइल, उसका ब्लैंक, उसका जो असेट को बाहर रख के जो चलना चाहिए उसी जगह पे वो लोग क्या करेगा, सिक्योरिटी को डाल देगा, मतलब सिक्योरिटी टीम जो रहेगा। फिर BMS टीम जो रहेगा, मतलब BMS टीम मतलब क्या है, जो बिल्डिंग में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कुछ जो बिल्डिंग में जो कुछ जा रहा है इक्विपमेंट जो चलते हैं, ऑटोमेशन, सभी को जो ऑटोमेशन करके वो वहाँ से जो कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो BMS टीम रहेगा। फिर जो CCTV एक्सेस कंट्रोल सभी का सबके लिए, उसके लिए जो अलग टीम रहेगा। फिर उसका छोड़ के क्या है, EHS टीम रहेगा, मतलब EHS टीम मतलब जो कुछ जो काम जो जा रहे हैं अंदर पे उसी का वही लोग को बराबर जो PPEs को यूज़ करके, बराबर जो नॉर्म्स को जो फॉलोअप करके जो काम करता है कि नहीं करता है, फिर उसी का जो क्वालिटी, मतलब सभी का क्वालिटी वो देख सकता है, मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा तो वही लोग को काम है, मतलब क्यों होगा, क्या हो गया, कैसे करना है उसका, उसको कैसे जो अवॉइड कर सकता है, इंसिडेंट को कैसे अवॉइड, सभी जो EHS डिपार्टमेंट कर देता है, ये सब कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो अंदर भी जो आएगा सब कुछ, मतलब वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट,
ईटीपी एसटीपी सभी क्या है, फैसिलिटी मैनेजमेंट का अंदर आएगा। और जो मैं बोला ना, जो आदमी लोग को कंफर्ट लेवल में जो इधर आके जो काम करने के लिए जो कुछ हम लोग को दे सकता है, जो कुछ हम लोग को कर सकता है, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है। मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो कैसे रहेगा, मतलब पहले जो एक बड़ा मैनेजर रहेगा, बड़ा मैनेजर का नीचे फैसिलिटी मैनेजर रहेगा, फैसिलिटी मैनेजर का नीचे और असिस्टेंट फैसिलिटी मैनेजर रहेगा, फिर शिफ्ट इंजीनियर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, वही ऐसा स्ट्रक्चर है। मतलब फैसिलिटी मैनेजर क्या है, सभी का जो लीड को जो मतलब क्या है कोऑर्डिनेट करता है, मतलब FMB मैनेजर इसको रिपोर्ट करना है, फैसिलिटी मैनेजर को रिपोर्ट करना है, EHS मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर को रिपोर्ट करना, सभी सभी जो मैनेजर जो होता है फैसिलिटी में, सभी फैसिलिटी मैनेजर को जो रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट में खाली यही यही काम नहीं है, दूसरा मतलब अभी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो लीज है, लीज से फिर जो गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ पेमेंट तो देना है, मतलब कुछ ना कुछ टैक्स करना है, प्रॉपर्टी टैक्स करना है, जो कुछ है सभी वो जो फैसिलिटी मेंटेनेंस टीम फॉलो करके उसको पे करेगा, उसको फॉलो करेगा, वो सब कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है। अभी इंडिया में क्या है, जो ज़्यादा जो फैसिलिटी कंपनी जो रहता है, मतलब CBRE, JLL, कुशमन बैकफील्ड, फिर सोडक्सो, ISS, ज़्यादा कुछ है, वे लोग का क्या करता है, इंजीनियर तक वे लोग को उसी का रोल में जो रख देगा, उसका कंपनी में रख देगा, बाकी सब कुछ को कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा, लेकिन कोई ना कोई जगह पे खाली मैनेजर को उसको रख देगा, बाकी सब कुछ को कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा। मतलब ऐसा वाला कंपनी में आप लोग को ज़्यादा का तो कंपनी है, ऐसा अच्छा वाला कंपनी में आप लोग को ज्वाइन होगा तो आपका जो क्या है, आपका आपका जो मतलब जॉब सिक्योरिटी जो बढ़ जाएगा, आपको पेमेंट भी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। जो कुछ HVAC में जो आदमी लोग को जो जाने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब मेंटेनेंस में जो आने के लिए कोशिश कर रहा है, वही लोग का ऐसा वाला फैसिलिटी मैनेजमेंट आप ज्वाइन करने से टेक्नीशियन लेवल से सुपरवाइजर, इंजीनियर, फैसिलिटी मैनेजर तक आप लोग को जा सकते हैं। मतलब सब कुछ आप लोग को सीखना चाहिए, मतलब जो कुछ मैं तो HVAC देख सकता है, दूसरा तो नहीं दे सकता है बोल के आप नहीं रहना, सभी को सीखना है। सभी को सीखने से जो कुछ आप डाउन लेवल से पूरा टॉप लेवल तक आप लोग को आने के लिए सभी लोग का साथ जो हो सकता है, लेकिन सब कुछ आप सीखना चाहिए, और सब कुछ आप लोग को इंटरेस्ट में पढ़ना चाहिए, सब कुछ आप लोग को क्या है, जो जो कुछ जो इम्प्लीमेंट जो करता है, सब लोग को आप गैदर करके सब कुछ को पढ़ के आप लोग को ऊपर आना चाहिए, वो तो आपका हाथ पे है, ठीक है। सो बस फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या है, उसी के बारे में कुछ आइडिया में कुछ दिया लगता है। सो आज के लिए इतना ही, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा तो है डिस्कस करने का। सो जो कुछ आपको क्या है, कुछ डाउट है, जो कुछ क्लैरिफिकेशन तो देना है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बाद भी एक बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए, अगर दबाना से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालना से आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। सो दूसरा वीडियो में हम लोग को देखेंगे, थैंक यू।